नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहब अली। बिहार सरकार का आदेश आया कि 11 शहरों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जाएगा, उनको होम क्वारंटीन किया जाएगा। तो उन 11 शहरों से आने वाले लोगों के लिए ये भी सबसे बड़ी टेंशन थी कि क्या सरकार उन्हें वही सब सुविधा मुहैया कराएगी जो क्वारंटाइन में रखे जाने वाले प्रवासियों को कराई जा रही। जैसे कि उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि किराया और जो 500 रुपये की राशि दिए जाने की बात सामने आई थी सभी को नीतीश कुमार की तरफ से, वो तो आपको बता दें कि साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सभी को वो चीज़ें मिलेंगी। क्वारंटाइन सेंटरों में नहीं रहने वाले प्रवासी मजदूर भी अब सहायता राशि ले सकेंगे। इसके तहत रेलवे के किराया के साथ 500 रुपये दिए जाएंगे, हालांकि किसी भी सूरत में उन्हें 1000 रुपये से कम राशि नहीं मिलेगी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और बेंगलुरु के अलावा अन्य शहरों से आने वाले प्रवासियों को प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर की जगह होम क्वारंटाइन में रखने का निर्णय लिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखकर कह दिया है कि इसके लिए सभी मजदूरों का पंजीकरण जरूरी है, मतलब कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देश में लगातार धीरे धीरे सब कुछ रियायत मिल रही है और इसमें ये सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा था, और जो मजदूर उन 11 शहरों से बिलोंग नहीं करते हैं अगर वो लौटते हैं तो क्या उन्हें राशि मिलेगी, क्या उन्हें सहायता राशि मिलेगी, क्या उनके ट्रेन की का जो टिकट है उसका जो राशि है वो सरकार उठाएगी। तो हाँ, सभी को पैसे उसी तरह से मिलेंगे जिस तरह से पहले मिल रहे थे। प्रवासी मजदूरों को ट्रेन का टिकट, 500 रुपये किराया, आने जाने के लिए अतिरिक्त राशि जो है वो दी जाएगी। इधर देश में अब सोमवार से घरेलू उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं, जिसको देखते हुए तमाम व्यवस्था कर ली गई है। दिल्ली से पहली उड़ान कोलकाता के लिए सुबह 4:30 बजे जाएगी। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री के मंत्रालय के आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन स्टेशन मिलने के बाद यात्रियों को क्वारंटाइन न किए जाने का निर्देश जारी करने के बाद कई राज्यों में इसे लागू नहीं करना चाहते। केरल, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के ने कह दिया है कि वो अपने यहाँ आने वाले हवाई यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटाइन करेंगे। तो अब ये बड़ी खबर है कि पहले तो जो हवाई यात्री थे उनको अब क्वारंटाइन करेंगे कुछ राज्य, जो कि फैसले के पक्ष में नहीं है। और इधर एक खबर ये थी कि क्या मजदूर जो उन 11 शहरों से नहीं बल्कि उनके अलग शहरों से आने वाले हैं, क्या उनको राशि मिलेगी? तो हाँ, उनको राशि ही मिलेगी। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करें, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए liveseries.in पर जाएं। धन्यवाद।